क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्रह्म ऋषियों के जैसे त्यागवीर, परम तपस्वी, यति के जैसा जीवन यापन करने वाले लक्ष्मण ही इस दुर्दांत योद्धा मेघनाथ का वध कर सकते थे। प्रभु, यह अतिका है, रावण की दूसरी रानी धान्यमालिनी का पुत्र है। उसके प्रचंड पराक्रम को आपने पहचाना नहीं? एक बार क्रोध से आग बबूला होकर अतिकाय अपने भुजबल से चक्रवाल गिरी को उखाड़ फेंकने को उद्यत हुआ। तब कैलाश शिखर से शूलपाणि शंकर ने अपने अग्निमुख त्रिशूल का प्रहार किया, तो इस भीम भयंकर अतिकाय ने उसे खिलौने के समान हाथ में पकड़कर अट्टहास करते हुए महादेव का भी मान भंग कर दिया। फिर उसने शिव से धनुर्विद्या के सारे रहस्य सीख लिए। रावण ने लंका की दुर्गबंदी आरंभ कर दी है। अच्छा जी, मेरे चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति पक्षी बनकर शत्रु सेना का निरीक्षण करने लंका में गए थे। उन्होंने ये समाचार दिया है कि आज महाराज सुग्रीव के साथ रावण का जो मल्ल युद्ध हुआ, उसके तुरंत पश्चात उसने राजमहल में अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई, जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि आगे क्या किया जाए। उस सभा में उसके नाना माल्यवान ने आपका विरोध त्याग कर आपसे संधि कर लेने की सलाह दी, परंतु रावण को उनकी बात नहीं सुहाई और रावण ने लंका की दुर्गबंदी करने का आदेश दे दिया है। इसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, इसके लिए हमें स्वयं जाना होगा। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं प्रभु। नहीं महाराज विभीषण, हमने आपको लंका के राज सिंहासन पर बिठाने का वचन दिया है, आपके जीवन को संकट में नहीं डालेंगे। हम यह भी नहीं चाहते कि भाई के हाथों भाई का वध हो। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्रह्म ऋषियों के जैसे त्यागवीर, परम तपस्वी, यति के जैसा जीवन यापन करने वाले लक्ष्मण ही इस दुर्दांत योद्धा मेघनाथ का वध कर सकते थे। सौमित्र लक्ष्मण अपने दुष्कर पराक्रम से दुर्धर्ष योद्धा इंद्रजीत का अंत करके तुमने इस युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया है। 3 दिन 3 रातों के इस भीषण युद्ध में रावण कुमार मेघनाथ का पराभव करके मानो तुमने रावण को पराभूत कर दिया है, मानो आज मैं शत्रुहीन हो गया हूं।